तो देखिए मेहमान हमारे जा चुके हैं, और जैसे कि मेहमान आते हैं तो उन्हें टाइम भी देना पड़ता है। थोड़ी देर वाले मेहमान थे, उन्हें आगे भी कहीं जाना था, कुछ ज़रूरी काम था। तो देखिए अभी हमारे सारे काम जो है पड़े हुए हैं, बस मामा निकाला था, पूजा करी थी और उनके लिए थोड़े से मैंने पेड़े बनाए थे, और आप सबको भी बाद में दिखाएंगे बनाकर कैसे बनाते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए सब काम हमारे फैले हुए हैं, ऐसे बर्तन भी पड़े हुए हैं, चूल्हा चौका सब पड़े हुए हैं, उधर कपड़े भी पड़े हुए हैं। तो चलिए प्रीति तो कर रही है ये काम, और हम करेंगे कपड़ों की क्लीनिंग, क्योंकि कपड़े भी हमारे बहुत सारे हो जाते हैं एक दिन के ही, छोटे छोटे बच्चों के ज़्यादा होते हैं। पूरी चारपाई जो है भरी हुई है, और पिताजी जो है उधर पानी भर रहे हैं। अभी अभी लाइट आई है, लाइट का भी पंगा है हमारे यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि लाइट जो है बहुत ज़्यादा कट मारने लगी है। तो पिताजी अभी पानी भरने लग रहे हैं, ऊपर टैंक में भी कर दिया है उन्होंने, और यहाँ पर नीचे जितने बर्तन रखे हुए होते हैं सारे वो भी भर देते हैं वो कुछ। और कपड़े धोने के बाद में बनाएंगे पेड़े, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो है चाय पी ली है, चाय लड्डू ले लिया था मैंने भी। तो सबसे पहले हमने प्रसाद जो है भोग के लिए रख लिया था जो हम बनाने वाले थे। और यहाँ पर देखिए चिंकी छोटे बेबी का कितना ध्यान रखती है, अगर वो सुसु कर दे तो उसकी कच्ची भी चेंज कर देती है। देखिए किसी को बोलती नहीं है कि मम्मी इसने सुसु कर दिया है। तो देखिए अभी जो है कपड़े धुल चुके हैं, और मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में ये पेड़े बना रही हूँ, क्योंकि गुड्डू चिंकी बोल रही थी मम्मी आप पेड़े कितनी देर में बनाओगी, हमारा खाने का मन है। और जब मैंने सुबह बनाए थे अपनी मासी की बेटियों के लिए, क्योंकि मेरे मौसा जी और मेरी मासी की बेटी आई थी 2 दिन पहले, और ये वीडियो भी उसी दिन का है, तो ये वीडियो जो है क्लिप बची हुई थी, तो मैंने सोचा चलिए आज शेयर कर देते हैं, क्योंकि एक दिन का वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। और इसका फर्स्ट पार्ट मावा निकालने का जो है पाल फैमिली व्लॉग्स पर आप सबको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए चिंकी भी आ गई है, मैंने मावे में जो है बूरा डाल दिया है, और अभी मैं इसे हाथों से मसल रही हूँ। मसलने से ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसमें मावा जो है बूरे में अच्छे से मिक्स हो जाता है हाथों से मसलने से। और मावे को मैंने भून भी लिया था, और भूनने के बाद में ही ठंडा करने के बाद में ही मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। इसे मावे के लड्डू भी बोल सकते हैं आप, या फिर पेड़े भी बोल सकते हैं। तो आज चिंकी का भी फास्ट है, और गुड्डू का तो है ही, चिंकी ने बोला था मम्मी लास्ट के 2 रखूँगी मैं, और चिंकी बोल रही है मम्मी मैं भी ऐसे ही आपसे बनाना सीख लूँगी। तो देखे कितने अच्छे पेड़े बन रहे हैं हमारे, जैसे ही हम मावे को बूरे में मिलाकर हाथों से मसलते हैं तो पेड़े अच्छे ही बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। तो अभी ड्राई फ्रूट्स मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो पहले ख़त्म हो चुके हैं, मैंने कई सारी चीज़ों में डाल दिए थे जो रखे हुए थे, और अब की बार जब ये सामान लेकर आए हैं तो मुझे मंगाना इनसे याद नहीं रहा। तो मैंने सोचा चलिए बिना ड्राई फ्रूट्स के ही बना लेते हैं, और फटाफट से बांध लेते हैं ये पेड़े, और एक एक बनता है तो इसमें समय लग ही जाता है। और प्रीति जो है अभी नंदनी को ले रही है, आरुष और आरुषि जो है वो सो गए हैं, और चिंकी अभी मेरे पास थी लेकिन अभी चली गई है, बोल रही है मैं तो पढ़ाई करती हूँ थोड़ी सी, और वो जैसे पढ़ाई करती है थोड़ा थक जाती है, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके ही करती रहती है। और पेड़े हमारे बनकर तैयार हैं, मावे के पेड़े बनाकर मैंने तैयार कर दिए हैं, और अभी सबसे पहले माता रानी के भोग के लिए निकालेंगे इसमें से, और फिर बच्चों को देंगे। और आइए आप भी मुँह मीठा कर लीजिए। देखिए पेड़े बन के हो गए हैं हमारे तैयार, मावे के शुद्ध पेड़े। कैसे लगते हैं चिंकी आपको? मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आइए आप भी मुंह मीठा कर लीजिए। चिंकी गुड्डू तुझे कैसे लगे हैं पेड़े? मुझे भी अच्छे लगे, पहले मैं खाती नहीं थी, फिर एक दिन मम्मी ने मुझे जबरदस्ती टेस्ट कराया, मुझे अच्छे लगे तो मैं जब से खाती हूँ। तो देखिए पेड़े हमने बनाकर तैयार कर दिए हैं, और बच्चों को बोल दिया है कि भोग के लिए निकाल दे और बाद में ही खुद खा ले। हमारे पेड़े कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए शाम का टाइम है और थोड़ा सा दिन छिप चुका है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन था। और यहाँ पर देखिए माँ ने अपना इसका हिंडोला बनाना शुरू कर दिया है अपनी पोती का, और पोती जो है तिरछी तिरछी मेरी तरफ को देख रही है। ये देखिए नंदनी, हेलो बोल दो भाई नंदनी। और आज हमारे सारे काम ही लेट लतीफ है, क्योंकि कपड़े आज हम लोगों ने हाथों से धोए थे और अभी तक सूखे नहीं है। प्रीति ने आज सेकंड फ्लोर पर डाले थे सूखने के लिए, छा गई थी जल्दी से, देर हो गई थी हमें काम करने में, सारे गेस्ट आ गए थे हमारे यहाँ पर। तो चलिए अभी शाम के खाने की हो रही है यहाँ पर तैयारी, और आलू रख दिया उबलने, सारी चीजें आलू आलू रोज आलू से ही बनती है व्रती वालों की। तो अब कुछ अलग भी बनाया करेंगे, क्योंकि कल अष्टमी है
तो नवरात्र का व्रत हमारे खुल जाएंगे। हमारे यहाँ पर अष्टमी पूजा ही होती है। तो चलिए आज साबूदाना भिगो रखा है, प्रीति ने बोल रही थी आज साबूदाने का कुछ बनाएंगे, चलिए लगते हैं और बनाते हैं दोनों मिलकर। और यहाँ पर नंदनी, नंदनी वीडियो का लुप्त उठाते हुए दादी पोती हेलो तो बोल दो। देखो ए हाँ दूसरी तरफ चली गई है, बोल रही है माँ इस तरफ से बोलेंगे राम राम जी, हमारी तरफ से सबको बच्चों को प्यार, बड़ों को राम राम। और आप सबको भी माता रानी की कृपा से ऐसी माँ मिले, ऐसी माँ का प्यार मिले। तो चलिए अपने काम पर लग जाते हैं। और देखिए कितना अंधेरा हो चुका है, ये देखिए दिन छिप चुका है, सूरज ढल चुका है। और बच्चे गए हैं चाचा जी की तरफ, क्योंकि आज वो लोग जो है कन्या जी मार रहे हैं। गुड्डू चिंकी भी उधर ही खेल रही हैं। गुड्डू चिंकी का तो फास्ट है, आज चिंकी ने भी अपना फास्ट रखा है, बोल रही है मैं लास्ट के दो रखूंगी। मैंने कहा ठीक है चल, जब तू जिद कर रही है। और आरुष भी उधर ही गया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर इतनी शांति है। तो चलिए किचन में चलते हैं, किचन में अपनी प्रस्थान कर लेते हैं और देखते हैं। साबूदाना भीग चुका है हमारा, क्योंकि बहुत सवेरे से ही प्रीति ने इसे भिगो दिया था। ये देखिए साबूदाना, इसे धोकर इसमें पानी डाल दिया था और ये बिल्कुल मतलब इस तरीके से दबाई से जो है दब रहा है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया है भीगने के बाद में। चलिए इसे ग्राइंडर में जो है पीस लेते हैं सबसे पहले तो। और गुड्डू के पापा गए हैं मार्केट में सामान लेने के लिए, कुछ सामान हमने उन्हें बताया था, अभी तक नहीं आए हैं क्योंकि चिंकी की भी कुछ बुक्स लेकर आनी है उन्हें। अभी चिंकी गुड्डू के जो है स्कूल खुलने वाले हैं, कुछ दिन बाद एग्जाम होंगे इनके। तो चलिए सबसे पहले तो इसे ही पीस लेते हैं और देखते हैं क्या बनाते हैं हम लोग आज, वो तो इसे पीसने के बाद में ही पता चलेगा। क्योंकि प्रीति बोल रही थी दीदी चिल्ले बना लेते हैं, मैंने कहा उसमें ज्यादा टाइम लगता है, कुछ और बनाएंगे पकौड़ी के आइटम का। बोले ठीक है चलिए जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वही बना लीजिए। तो देखिए दोस्तों अभी मैंने साबूदाने का जो है स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है, इस वाले ग्लास में मैंने ग्राइंड किया है इसको, बड़े वाला ग्लास ही लिया था जिससे कि अच्छे से पीस जाए। तो ये पीस गया है, अभी मैं इसे ढककर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और जब तक जो है आलू निकाल दिए हैं प्रीति ने वो ठंडे हो जाएंगे और फिर इसमें मिक्स करके बनाएंगे हम। तो ये मैंने ढक दिया है इस वाली जाली से, चलिए चलते हैं बाहर देखते हैं प्रीति क्या कर रही है। तो देखिए आलू हमारे उबल चुके हैं और काफी अंधेरा भी हो चुका है हमारे यहाँ पर, लेकिन हमारे काम जो है लेट लतीफ भी होते हैं। और देखिए माँ और पिताजी चाचा जी के लिए बनाएंगे हम आलू की ही सब्जी, माँ बोल रही है हम लोग उसी पिट्ठी से खा लेंगे जो कुछ तुम अपने लिए बनाओगे, कोई बात नहीं सेंधा नमक ही तो है इसमें, मिर्च तो तुम लोग डालोगे ही, तो हमारा क्या खाना, हम लोग तो उसी से काम चला लेंगे। मैंने कहा मर्जी है आपकी, नहीं तो हम कुछ और बना देते हैं, पराठे बना देते हैं या फिर आलू की सब्जी टमाटर डालकर बना देते हैं, मर्जी है उनकी। लेकिन माँ बोल रही है कि हम लोग भी सेंधा नमक की सब्जी से ही काम चला लेंगे। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं और बनाकर आपको दिखाते हैं। तो ये रहा साबूदाने का पेस्ट और इसमें मैंने हरी मिर्च और जो सेंधा नमक है वो मैंने डाल दिया है, और ये कसा हुआ आलू अब मैं इसमें मिलाऊंगी और फिर बनाऊंगी पकौड़ी। पकौड़ी पकौड़े यही सब चल रहे हैं आजकल तो बर्ती वालों के लिए, तो इसे अभी मिला लेते हैं और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी मैंने कढ़ाई भी गर्म होने के लिए रख दी है और इसमें जो है घी डाल दिया है, और घी हमारा गर्म होने के बाद में मैंने छोटे छोटे से बॉल साइज के इसमें पकौड़ियाँ जो है डालनी शुरू कर दी है और बहुत टेस्टी लगती है। मैंने पिछले बार नवरात्रों में भी बनाई थी और प्रीति ने बोला था कि दीदी आज फिर बनाना, क्योंकि हमने राजगिरा की पहले बनाई थी तो बोल रही थी अभी साबूदाना हमारे पास रखा हुआ है तो उसका भी कुछ बना कर देखो। तो मैंने कहा चलिए पकौड़ी बनाती हूँ और टिक्की बनाती हूँ, यानी कि पूरी के साइज की बनाऊँगी मैं पराठे टाइप की। तो चलिए आप भी देख लीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और कैसी लगी कमेंट करके ये भी बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए सातवें नवरात्र की शाम, और जो शाम का खाना है वो कुछ इस तरह बन रहा है। ये जो मैडम हैं ये नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही हैं रोज़, तो सारे तो सफल नहीं होंगे ये तो मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है जब एक्सपेरिमेंट होते हैं तो सारे सफल नहीं होते हैं। ये जो यहाँ पर बन रहा है ये साबूदाने को पीस कर पहले उसका मैदा बनाया गया, और
आलू का पेस्ट जो है उसमें मिक्स करके यहाँ पर उनकी पकौड़ियाँ, और ये देखिए इसे आप चिल्ला कह सकते हैं, इसे आप टिक्की कह सकते हैं, और इसके अलावा जो है पराठा भी इसे बोल सकते हैं, आपकी जो मर्जी वो इसे कह दीजिएगा, कोई गिला शिकवा नहीं है उस चीज़ से। और लेकिन बन ठीक रहा है, अच्छा बन रहा है, और बनाने वाले भी बहुत खुश हैं इसे फ़िलहाल। तो जब कोई चीज़ खुश होकर बनाई जाती है तो ज़्यादातर वो अच्छी ही बनती है, ऐसा मैंने देखा है, नोट किया है पहली बार। लेकिन मैं किसी को ज़्यादा डिस्टर्ब और बीच में टोकर टाकी नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि इंटरफेयर करने से क्या है कि चीज़ें बिगड़ जाती है। अब रिदम जो बना हुआ होता है खाना बनाने या किसी चीज़ को पकाने में, खास करके किचन में, वो बिगड़ जाता है इंटरफेयर करने से। तो कभी कभी करता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरी मंशा है वो बिगाड़ने की नहीं है। मैं आप लोगों को जो है इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये क्या बन रहा है। तो ये देखिए पकौड़ियाँ बनी हैं और ये घी में बनाई गई हैं यहाँ पर। तो साथ साथ में जब कुक ने ये देखा कि पकौड़ी शायद बहुत देर लगेगी इसमें और बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं बनेगी, तो फिर उधर जो है ये दूसरा एक्सपेरिमेंट, और ये चिल्ले टाइप का कर दिया, पराठा चिल्ला और टिक्की, कई नामों से इसे पुकार रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं बता रही है मैडम कि ये है क्या। मैं कई बार पूछ रहा हूँ तो सिर्फ मुस्कुरा देती हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसे जो है इसका नामकरण मुझे ही करना होगा। तो एक नाम और बताया है कि इन्होंने उसे साबूदाना की पूरी भी कह सकते हैं। लेकिन जो भी है, माता रानी का प्रसाद है, व्रत का खाना है, जो भी है बहुत अच्छा है कुल मिला करके। और यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी बनाई जा रही हैं, और जो रेडी हो चुके हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है देखिए, ये जो है साबूदाना का आटा है, और इधर जो है आटा और आलू की पकौड़ी है, आटा मतलब साबूदाना का आटा। तो यहाँ पर जो है वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी काम जारी है, और मैं जो हूँ यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। और हो ये रहा है कि जैसा मैंने आपको बताया, ये देखिए ये पकौड़ियाँ यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं साबूदाना की, और इधर जो है पूरी पूरी पराठा टिक्की या कुछ और नाम जिससे भी आप चाहें